सो हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज एकता हंसराजानी और आज मैं आपके सामने बच्चों लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के असर्शन एंड रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बच्चों इस बार हमारा जो एग्जाम होने वाला है टर्म 1 का वो पूरा का पूरा MCQ बेस्ड होने वाला है. अब इसीलिए बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कुछ बच्चों में कि मैम MCQ बेस्ड पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है. तो उन्हीं सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों आज मैं आपके सामने स्पेशल एक सेशन लेकर आई हूँ जिसमें आपको हम बताएंगे कि असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. और सिर्फ मैं ही नहीं बच्चों, हर सब्जेक्ट के आपको असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जाएंगे जिससे बच्चों आपको अंदाज़ा लग जाए, आइडिया लग जाए कि मुझे किस तरीके से एक्चुअली क्वेश्चंस करने एग्जाम. ओके, सो बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे असर्शन एंड रीजनिंग के. ऑल राइट, चलो. सो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे बच्चों आपके सामने. सबसे पहले आपको क्या गिवन रहेंगी, सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस होंगी. एग्जामिनर बकायदा आपको बताएगा कि क्या करना है आपको असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस में. ओके, अब इतना काम करने के बाद, इतना लिखा हुआ होने के बावजूद भी बच्चों को समझ में नहीं आता है तो हम लोग हैं, डोंट वरी. ठीक है, क्या होगा बच्चों, आपको डायरेक्शंस गिवन होंगी कि फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स. जो असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे 2 स्टेटमेंट गिवन होंगे. पहला स्टेटमेंट क्या होता है, असर्शन. सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है, रीजन. असर्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से एंड रीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से. ओके बच्चों, नेक्स्ट इज व्हाट, आंसर दीज क्वेश्चंस सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो. अब 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, उसके बाद आपको ये 4 ऑप्शंस गिवन है. इन 4 ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन सूटेबल करेक्ट है आपको वो टिक करना है. अब ऑप्शंस में बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटी गिवन हो सकती है आपको, आपको गिवन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर A में कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. दैट मीन्स आपको जो 2 स्टेटमेंट गिवन है असर्शन एंड रीजन करके, वो दोनों के दोनों ही अगर सही हैं एंड जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आप क्या लगा कर आओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर A टिक लगा कर आओगे. ठीक है, क्या टिक लगा कर आओगे, ऑप्शन नंबर A. अगर ऐसा नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक पॉसिबिलिटी बच्चों ये हो सकती है कि दोनों ट्रू तो हैं, बोथ A एंड R ट्रू, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह ट्रू हैं बट R का जो है रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, सो आपके सामने आएगा ऑप्शन नंबर B. ऐसा अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में है तो आप टिक लगा कर आएंगे B. ठीक है, C इज व्हाट, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. असर्शन जो है वो करेक्ट है बट R जो है वो बिल्कुल गलत है, पसंद नहीं आया हमें. ठीक है, अच्छी नहीं लगी हमें बात R की, तो अगर ऐसा कहीं है तो आप ऑप्शन नंबर C लगाओगे. ऑल राइट, और D में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा. A तो अगर आपके पास फॉल्स है बट R अगर ट्रू है तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर D. ठीक है, तो ये आपके सामने बच्चों को 4 ऑप्शंस रहेंगे हर असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए. आपको अपने सेंस से, जितना भी आपने चैप्टर पढ़ा है, अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से आंसर करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से क्या आंसर सही हो सकता है. ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शंस एंड ऑप्शंस समझ में आ गए हैं असर्शन एंड रीजन के, तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. ऑलराइट, चलो.
सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, दो स्टेटमेंट आपके सामने आ चुके हैं, एक है assertion और सेकंड है रीजन। assertion को पढ़ते हैं, द एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड टू वॉटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। क्या मतलब हुआ बच्चों इस लाइन का, कि एसिड को हमेशा हमें एड करना चाहिए वॉटर में विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। अब ये बात जो है वो पूरी तरीके से 200% करेक्ट है, ये हमने पढ़ा भी था बच्चों। अगर आपको कहीं भी किसी भी एसिड को क्या करना है, डाइल्यूट करना है, ठीक है, क्या करना है, डाइल्यूट करना है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, उसमें वाटर ऐड करना है, तो आप बच्चों हमेशा वाटर में एसिड ऐड करोगे। क्या करोगे, हमेशा वाटर में एसिड ऐड करेंगे, याद रखना वाटर में एसिड ऐड करेंगे, कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों स्टेटमेंट नंबर 1 दैट इज असर्शन, वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्या जो रीजन का स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं। ओके, सो रीजन क्या गिवन है, एसिड रिलीज एच प्लस आयंस इन वाटर। एसिड जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं बच्चों, एसिड्स रिलीज एच प्लस आयंस इन वाटर। अब कहने को तो ये बात भी ठीक है, ये रीजन भी ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट है ये भी ठीक है, बट ये असर्शन का जो आपको गिवन है स्टेटमेंट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। आप वाटर में एसिड इसलिए मिलाते हो क्योंकि एसिड और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होती है ये बच्चों होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट मींस हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में इवॉल्व होती है इसलिए इतनी हीट बच्चों, इतना अमाउंट ऑफ हीट हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ये प्रिकॉशन रखी जाती है कि कभी भी अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो हमेशा हम वाटर में एसिड ऐड करेंगे, ना कि एसिड में वाटर ऐड करेंगे। ऑलराइट, तो इसका बच्चों करेक्ट रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रीजन आपके पास जो यहां गिवन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, हालांकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है बच्चों। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा बी, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ आइए बात, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं अपनी अपनी जगह, बट जो रीजन आपको गिवन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ऑलराइट, सो ये था बच्चों आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, और अभी ही तो शुरुआत ही हुई है। आई एम श्योर कि आपको धीरे 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 असर्शन एंड रीजनिंग से जितना डर लगता है ना, उतना ही बच्चों आपको मजा आने लगेगा असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करने में, क्योंकि आपको कुछ भी सोचना समझना नहीं है, दो स्टेटमेंट्स देखने हैं, सिर्फ इतना देखना है कि क्या रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं। ओके, तो इतना सा ही काम करना है, बट पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है इन क्वेश्चन से, तो डरने जैसी कोई बात नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, असर्शन गिवन है पीएच इज इक्वल्स टू 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर। अगर आपके पास पीएच इज इक्वल्स टू 7 है तो प्योर वाटर की बच्चों जो पीएच होती है, प्योर वाटर की जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7, एग्जैक्ट 7। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है कि स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, असर्शन जो आपको गिवन है वो एकदम करेक्ट है कि पीएच इज इक्वल्स टू 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर, एकदम करेक्ट बात है। बट क्या रीजन जो गिवन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो रीजन क्या गिवन है बच्चों, पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लेस देन 7। अब आप एक चीज बताओ, यहां एक तो इज लिख देना, ठीक है,
क्या गिवन है रीजन में कि पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज लेस देन 7। अब सबसे पहली बात बच्चों, जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? NaOH। सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों? ये एक बेस है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? ये इसका एक बेस है। अब बेस जो होते हैं वो उनकी पीएच बच्चों ग्रेटर देन 7 होती है, लेस देन 7 नहीं होती है। लेस देन 7 है तो वो एसिड्स में आएगा, अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो बेस की कैटेगरी में आएगा। ओके, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इसलिए बच्चों बेस की जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। तो एक पहली बात तो आपके पास ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत है, और दूसरी बात असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास असर्शन गिवन है कि पीएच इज इक्वल टू 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर, वो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी अदर सब्सटेंस की पीएच के। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कुछ भी हो, क्या लेना देना है पीएच ऑफ वाटर को? ओके, तो पहली बात तो ये है ही गलत, पसंद नहीं आया हमें बिल्कुल भी, और दूसरी बात इसका एक्सप्लेनेशन भी किसी तरीके से ये नहीं है। ठीक है, तो आपके पास बच्चों जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए आपके पास ट्रू है लेकिन जो रीजन गिवन है आपको वो फॉल्स है, गलत है बिल्कुल। ठीक है, चलो ये बच्चों सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट बच्चों आपको अगेन असर्शन रीजन गिवन है, कॉमन सॉल्ट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स। क्या ये बात सही है? मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे कि क्या ये बात सही है। ठीक है, अब बच्चों देखो, कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का मतलब जो हम कॉमनली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप घरों में भी जो सॉल्ट यूज करते हो वो कौन सा सॉल्ट होता है बच्चों? NaCl। ऑलराइट, तो NaCl जो होता है, ये बात एकदम ट्रू है कि ये बहुत सारे अदर केमिकल्स के फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। ओके, आपने अगर सॉल्ट्स पढ़े हैं इस चैप्टर में तो बच्चों NaCl यूज किया जाता है अलग अलग सॉल्ट को बनाने के लिए भी। तो आपके पास जो असर्शन गिवन है वो एकदम सही गिवन है कि कॉमन सॉल्ट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, क्या रीजन गिवन है? मेन सोर्सेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वॉटर। तो पहली बात तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है। ठीक है, अगर सही होता है तो आपके पास असर्शन का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट अगर हो ही गलत गया, रीजन एकदम गलत ही हो गया, तो फिर वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा भी नहीं असर्शन का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि क्या रीजन सही गिवन है या नहीं, क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है या नहीं। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, कॉमन सॉल्ट जो होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड, वो उसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों? सी वॉटर, समुद्र से निकाला जाता है उसको, समुद्र से इवेपोरेशन करके बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन। ठीक है बच्चों, ये बहुत सारे अदर केमिकल्स को फॉर्मेशन में काम आता है, बट उसका रीजन ये थोड़ी है कि इसका जो सोर्स है वो सी वॉटर है। ओके, सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट आपके पास जो रीजन गिवन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों आपके सामने? बी आ जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद, तीन क्वेश्चंस करने के बाद आई होप आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही होंगी कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस करने कैसे। ठीक है, आप जितने क्वेश्चंस बच्चों, जितने MCQs कर सको, जितने असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस कर सको कम है। ऑलराइट, हम जितने पॉसिबल हो सकेंगे MCQs, जितने पॉसिबल हो सकेंगे असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस, वो हम आपके पास लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से।
आपको बच्चों क्या करते जाना है, आपको धीरे धीरे पैटर्न को ऑब्जर्व करते जाना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, अभी तक 3 क्वेश्चन हमने पढ़े. आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी कोई भी क्वेश्चन टफ लगा होगा. असर्शन एंड रीजनिंग में बच्चे सिर्फ इसलिए ही उलझते हैं क्योंकि उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना आता, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं पता होता कि क्या बोल रहा है असर्शन एंड रीजन में, करना कैसे है. ओके, बाकी इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज वर्ड बच्चों, असर्शन आपको गिवन है. CH3COONA इज अ बेसिक सॉल्ट. क्या गिवन है बच्चों? CH3COONA इज अ बेसिक सॉल्ट. तो पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. तो बच्चों CH3COONA जो है वो एक टाइप का सॉल्ट है, बिल्कुल सही बात है. बट क्या वो बेसिक सॉल्ट है? चेक करते हैं बच्चों. CH3COONA जो है वो मिलकर के बना है CH3COOH से एंड NaOH से. सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है बच्चों? जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है. ऑलराइट, अब CH3COONA में एसिड कौन सा यूज हुआ होता है बच्चों? एसिटिक एसिड. और बेस कौन सा यूज हुआ होता है? बेस यूज हुआ होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब एक चीज समझना बच्चों, एसिटिक एसिड जो है वो एक टाइप का वीक एसिड है. कैसा एसिड है? वीक एसिड, कमजोर है बेचारा, ठीक है. और NaOH जो होता है ये बहुत ही ज्यादा कैसा होता है? बेसिक होता है. इसका जो नेचर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है. ये क्या है बच्चों? ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बेस है. ऑलराइट, अब होता क्या है कि इनके कॉम्बिनेशन से जो आपके पास सॉल्ट फॉर्म होता है CH3COONA, उसमें बच्चों बेसिक कैरेक्टर्स थोड़े ज्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बच्चों, हमने जो बेस लिया है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है. एसिड जो हमने लिया है इसके फॉर्मेशन में वो वीक है. तो आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड आएगा, जो रिजल्टेंट सॉल्ट आएगा, वो कैसा होगा बच्चों? उसमें कैसे कैरेक्टर्स होंगे? उसमें बेसिक कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे. ऑलराइट, सो इसलिए आपके पास ये स्टेटमेंट असर्शन जो हो गया वो तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है. ओके, क्या करेक्ट बात है कि CH3COONA, हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब रीजन देखते हैं बच्चों. रीजन आपको क्या गिवन है कि CH3COONA इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग. फॉल्स नहीं आएगा बेटा, यहां बेस आएगा. करेक्ट कर लेना इसे, बेस. ओके, तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है कि CH3COONA जो है वो मिलकर के बना है एक वीक एसिड से, दैट इज एसिटिक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस से, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इसलिए बच्चों यहां आपके पास क्या हो गया? असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. ओके, तो ये बच्चों कैसे टाइप का क्वेश्चन था आपके पास, जहां आपके पास दोनों स्टेटमेंट सही होंगे और रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का. ठीक है, क्लियर है बात? तो यहां बच्चों आप क्या टिक लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए, कि बोथ ए एंड आर इज आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया, कोई भी बच्चों डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है. ऑलराइट, आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इस लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए अकेले हैं या ऑनलाइन आप अपने डाउट सॉल्व नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है, एटलीस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं है. हम आपके बच्चों हर डाउट का, क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ऑलराइट, सो चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज व्हाट? केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2.
क्या ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है? बिल्कुल मैम, सही बात है, होता है। ओके, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर का। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या हो गया? जो भी केमिकल से मिलकर के ये बना है उनके नाम को ही हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? केमिकल नेम की तरह। तो क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम Ca, ऑक्सी O, एंड Cl2 क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ऑलराइट, रीजन क्या गिवन है बच्चों? कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। क्या ऐसा होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को बनाने के लिए बच्चों, प्रिपरेशन के लिए आप इसकी जो रिएक्शन देखते हैं वो क्या रिएक्शन होती है देख लेते हैं। चलो, क्या होता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन करता है? क्लोरीन से रिएक्शन करता है, और आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है? CaOCl2+H2। तो ये जो मेरे पास बना, ये क्या बना बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो यानी कि जो आपके पास रीजन का स्टेटमेंट गिवन है ये भी एकदम करेक्ट गिवन है, दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो आपके पास बच्चों यहां क्या हो गया? असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑलराइट, तो यहां बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा? अगेन आपके पास आंसर आएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके बच्चों, आपको आई होप कि ये पांचों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ऐसे ही बच्चों इसी तरीके से हम जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों हम असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस MCQs आपके सामने इसी तरीके से लाते रहेंगे। ओके, आपको क्या करना है बच्चों? आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, कीप स्टडी। ओके, चाहे कोरोना आए, आंधी आए, तूफान आए, कोई चला जाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी पढ़ाई करते रहना है, हमें क्या करते रहना है? हमेशा कीप स्टडिंग। ओके, किसी और इंसान से, किसी और एलिमेंट से डिस्टर्ब हुए बिना हमें हमारी पढ़ाई करनी। ठीक है बच्चों, आई होप आज का सेशन आपको समझ आया होगा। इसी तरीके के और सेशंस को देखने के लिए बच्चों, इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को, ट्विटर हैंडल को, ताकि आपको लेटेस्ट कोर्सेज हम कौन कौन से लॉन्च करने वाले हैं सबके बारे में बच्चों डिटेल्स एनालिसिस हो जाए। ओके, तो मैं आपसे मिलूंगी बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।